नमस्कार दोस्तों, पी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय, आप देख रहे हैं पी न्यूज। सिंघिया में एक अनजान साधु ने चमत्कारी जर्जर मंदिर की सूरत बदल दिया है। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया नगर पंचायत स्थित सिंघिया में लगभग 300 वर्ष पुराने राम जानकी नवलखा जर्जर चमत्कारी मंदिर को बाहर से आए एक अनजान सन्यासी साधु बाबा ने जीर्णोद्धार कर सूरत बदल दिया है। उन्होंने बताया कि जब बजरंग बली का पूजा करने पहुंचा तो भगवान की शक्ति ने इस मंदिर तक खींच कर ले आया है। लगभग 300 वर्ष पुराना यह मंदिर है। 35 से 40 वर्ष पूर्व इस मंदिर में स्थापित भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता का पूजा पाठ बंद हो गया था और मंदिर चारों तरफ जंगल से घिर गया। मंदिर में रखे सभी मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हो चुका था। उन सबको भी सन्यासी बाबा ने मरम्मति कर श्रृंगार कर सजा दिए हैं, जिसे अब दर्शन करने पर वहां से हटने का मन नहीं करता है। बाबा ने एक आश्चर्यजनक बातें बताया कि यहां के लोगों ने सब जब से भगवान का पूजा पाठ बंद कर भगवान को तकलीफ देना शुरू किया, तब से यहां के लोगों को भी तकलीफ होने लगा था। जैसे कि कई लोगों के घर में औलाद नहीं होना, काल मृत्यु होना, बराबर बीमार पड़ना, बच्चे का संगत खराब होना, नशा आदि का हो जाना समेत कई प्रकार की परेशानी होने लगा था। अब मंदिर का जीर्णोद्धार कर पूजा किए जाने पर लोगों का आस्था पुनः जगने लगा है तथा श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी साधु बाबा सिद्धार्थ के द्वारा कई बातों का पुष्टि किया है। श्रद्धालु लोगों ने बताया कि जब से बाबा आकर पूजा पाठ शुरू किए तब से विषैला जानवर सब भी गायब हो गया है, जबकि पूर्व में बहुत बड़े बड़े विषैला सर्प रहता था। न्यूज अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इतना पुराना मंदिर है, कैसे यहाँ तक आना हुआ? ये तो ईश्वर की कृपा है कि मुझे आने का अवसर मिला। मैं यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर देखा, मैं वहाँ जा कर के उनकी थोड़ी बहुत धूप दीप करना शुरू किया और अचानक यहाँ देखने को मिला कि एक खंडहर है। जब मैं खंडहर के सामने आया तो मुझे लगा कि यहाँ मंदिर है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इनको कुछ भोग वोग लगाया जाए। तो स्कूल में एक सर थे, उनसे मैं मिला, उन्होंने मंदिर की चाबियाँ दे दिया और बोला कि बाबा ज़रा आप देख लीजिए मंदिर को। तो मैंने भोजन के लिए प्रबंध किया, बर्तन वगैरह का, फिर भोजन बनाने का प्रबंध किया और उसके बाद अंदर आए। जब अंदर आए तो देखा मैंने कि भगवान की आंखें नहीं दिख रही है क्लियर, ना पलकें ठीक से दिख रही हैं, ना भाव दिख रहा है ठीक से, ना उनकी पतली जो है आँखों की वो ठीक से दिख रहा है। लगभग भगवान बहुत तकलीफ़ में दिख रहे थे। तो मैंने समाज के कुछ लोगों से कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, यहाँ भगवान तकलीफ़ में है, आप लोग कुछ इनकी मदद कीजिए। तो लोगों ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ बाबा। मैंने कहा इनकी आँखों को कलर कराइए, मंदिर में साफ़ सफाई कराइए। तो धीरे धीरे कुछ लोग आए सामने और उन लोगों ने मिल करके साफ सफाई में ध्यान दिया और मंदिर को बदलना शुरू किया। फिर हमने माँ के, भगवान के, राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी का कलर करवाया, आँखों का, चेहरे का, जहाँ तक जो हो सकता था, फिर श्रृंगार करवाया। और फिर देखते देखते में ऐसा लगा जैसे नन्हा बालक सा राम जी हो गए, लक्ष्मण जी हो गए और बहुत प्यारी सीता माँ दिखने लगी। और यही सब देख करके लोग और भावुक हुए। तो फिर लोगों ने मंदिर के पीछे अपना जी जान लगा दिया और इतनी जीतोड़ मेहनत करके मंदिर को जो उन्होंने बनाया है वो आपके सामने दिख रहा है। जो मंदिर आपको दिखता नहीं था, इतने जंगलों से ढका था, लतियों से ढका था, पेड़ पौधों से ढका था कि मंदिर रोड से नहीं दिखता था। अभी रोड पर से देखेंगे तो मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ का कण कण दिखाई देना शुरू हो गया है। तो ये ईश्वर की कृपा है, हम तो बस उसके सेवक हैं, सेवा करना जानते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बोल रहे भगवान कष्ट में थे, बहुत दिन से पूजा पाठ नहीं हो रहा था, इसका तो यहाँ के लोगों पर दुष्प्रभाव भी पड़ता होगा कुछ ऐसा आपको? देखिए, इसका प्रभाव ये है कि भगवान को लोगों ने, जिन लोगों ने भी बनाया सदियों पहले या आज या जब, तो यहाँ दिक्कत ये हुई कि भगवान का दिशा में भी कुछ गड़बड़ी थी, भगवान के रख रखाव में गड़बड़ी थी, भगवान के सेवा में गड़बड़ी थी और इन सब चीज़ों की वजह से इसका जो नेगेटिव आबोहवा, जैसे हर इंसान की आभा होती है उसी प्रकार भगवान की आभा होती है, तो इंसान से तो कई गुना अधिक भगवान की आभा होती है। तो उस आभा को, जो नेगेटिव आभा निकला, तो उससे लोग प्रभावित हुए। तो क्या प्रभावित हुए कि किसी के घर में
औलाद ना होना या औलाद है तो बीमार रहना, दवाओं पे खर्च होना, किसी घर में बहुत तरह की अभद्र विचार होना, व्यवहार होना, बच्चे हैं तो शराब पीना, गांजा पीना, नशा का सेवन करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है इन चीज़ों से। मैंने लोगों को बताया, लोगों ने कहा ऐसा हो रहा है, तो मैंने कहा इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए भगवान को पहले आप ठीक करो, आपके घर समाज में अपने आप लोगों का हृदय परिवर्तन होगा। और जैसे जैसे ये हो रहा है, परिवर्तन दिख रहा है लोगों के हृदय में, लोगों के मन में, लोगों के विचारों में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। गरीबी सता रहा है सिंह हम लोगों को। हाँ हाँ, तो उन सब चीज़ों के लिए ये भगवान को आप तकलीफ में रखे हैं तो आपको भी तकलीफ होगा ही, भगवान को खुशहाल करेंगे आप भी खुशहाल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स आते हैं, तत्व ऐसे भी हैं जो रोकना चाहते हैं, मंदिर को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। उनको लगता है यहाँ पे मेरा कोई लोभ है, लालच है, मैं यहाँ का एक बूंद पानी भी नहीं पीता, यहाँ के चापाकल का पानी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से पानी लेके आता हूँ, उसी पानी को मैं यहाँ भोग में यूज़ करता हूँ, उसी पानी से पूजा भी करता हूँ, भोग का जो प्रसाद लाता हूँ खुद बना के लाता हूँ और वही प्रसाद भोग लगाता हूँ और सारे भक्तों में बाँटता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने खुद खा जाता हूँ, मैं बांटता हूँ जो लास्ट बचता है, अगर किसी दिन नहीं बचा तो उस दिन मैं ऐसे ही रह जाता हूँ, लेकिन अगर बचता है तो वही मैं खाता हूँ जो भगवान को मैं ग्रहण कराता हूँ। तो हमारी बस यही इच्छा है कि समाज का कल्याण हो। हम जैसे ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं फिर कहीं और पलायन करूँ, फिर कहीं और भगवान की सेवा करूँ। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। कहाँ से है? जी मैं मुजफ्फरपुर से हूँ। आप ग्रामीण हैं, क्या कहना है इस मंदिर के बारे में? ये जितने बाबा बोले हैं तो सही बात बोले हैं। जब से यहाँ मंदिर का रखरखाव में कमी आया, तब से हमारे समाज में भी देख रहे हैं कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है नशा पानी से, और बहुत सारे ऐसे देखे हैं हम लोग इस वंशज में भी देखे हैं कि समय से पहले उनका अकाल मृत्यु भी होना शुरू हो गया था, और एक एक करके लगभग बहुत सारे आदमी यहाँ से निकल भी चुके हैं, और समाज में भी देख ही रहे हैं कि बच्चा से बच्चा, छोटा बच्चा भी नशा के पीछे भाग रहा है। तो निगेटिव रे तो था ही, अब आगे जब से बाबा आए हैं देख रहे हैं साफ सुथरा हुआ है, तो कुछ जगह में भी रौनक बढ़ा है, और हम लोग चाहते हैं कि मंदिर आप लोगों का भी सहयोग हो, जो पूरा अपना हमारा समाज जान सके और जग सके कि मंदिर का विकास हो सके, यही मेरा सोच है। और क्या कर सकते हैं? क्या नाम हुआ? हमारा नाम बीतू सिंह हुआ। हाँ बाबा, आप तो पुराने हैं यहाँ के, आप बताइए आपको क्या कहना, क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में? बोले बहुत विषैला सर्प सब भी था, लेकिन अब देखने को नहीं मिलता है साफ सफाई के बाद। पहला तो है जो हमको 80 वर्ष का उम्र हो रहा है, जटाशंकर साहब मेरा नाम है। हम जिस दिन से इस मंदिर को देखे तो लोभी ढोंगी आदमी इसका संपत्ति को हड़पने के लिए कुछ पूजा का पाठ करता था और बिल्कुल हड़प रहा था, और बहुत इसका उपजा बारी, इनके पास बहुत जमीन थी, वे लोग खाया और अरे जो बेचा वो तो सरकार अपने पकड़ लेगी, बेचा भी। अब जिस स्रोत से यह बाबा आए हैं उस स्रोत से इसका बहुत अच्छा विकास हमारे समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। हमारे बच्चे लोग जो उदंड बोली बात विचार बोलते थे उसका बहुत सुधार हुआ जी, और अभी भी इन शकुरबारी को जमीन बहुत बचा हुआ है जिसको मैं जानता हूँ। बोले वो सब जो है सो बाबा को हम लोग सहयोग देंगे, और भगवान का भोग हिंदू आस्था का मंदिर है। मैं भी जटाशंकर साहब हिंदू हूँ, जात के कानू हूँ, गलत बात नहीं है सर, सही हुआ जिनको आने से हमारे मंदिर के विकास हुआ। आप कुछ बोले थे जो विशेला विशेला सर्प सब बहुत है, फिर देखते थे, लेकिन अब इतना मोटा का सर्प है सर। लेकिन भगवान का मर्जी जो साधु अंधेरे में धूप गए भीतर है ना, हम लोग आँख से देखे सर, रोड बंद था सर्प को देख करके लोग है ना, बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा सर्प था इसमें सर। अभी बाबा को देख करके सर्प महाराज अपना विषय चले गए हैं है ना। क्या नाम हुआ? डोमी साहब। आप कुछ बता रहे थे, बोले आने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था पहले, पहले जब से बाबा आए हैं जब से हम लोग को अच्छा लग रहा है, पर मतलब पूरा गंदा था, पूरा सफाई भी हम लोग बाबा करवाया है, हम लोग कर रहे हैं।
क्या नाम हो? प्रशांत कुमार। बहुत ही स्थिति गड़बड़ी थी जी, मतलब माता रानी की आंखें जो है, पलकें वगैरह सब बहुत डिस्टर्ब था जी। राम जी का डिस्टर्ब था, लक्ष्मण जी का डिस्टर्ब था, तो जिसके कारण भी लगता था जैसे कि तकलीफ में है, पीड़ित है। तो हम चाहते थे कि इनका सब सुधार हो, तो आज इनका श्रृंगार देख करके ही ऐसा लगता है जैसे मानो कि वो जागृत हो गए हैं। इनको देख करके लगता है जैसे कि मेरी माँ साक्षात आगे बैठ गई है, लगता है जैसे राम जी लक्ष्मण जी जैसे नन्हे बालक बन करके हमारे सामने खड़े हो गए। तो इनको देख करके जो प्रेम उमर रहा है ना, वो मतलब भाव में भी व्यक्त नहीं कर पा सकते जो इनका दिख रहा है। और शायद ये चीज देखने के लोग ललायत थे और मेरी भी आंखें तरस रही थी जो आज ये देखने को मिल रहा है, जो हमने सपने में भी नहीं देखा था। देखिए अभी इस मंदिर के ऊपर में देखिए कि पूरा छत फटा हुआ है, दीवारें फटी हुई है। लोग पहले आना नहीं चाहते थे, डरते थे कि कहीं एक ईंट गिर जाएगी। मैंने कहा कि आप बाहर रोड में ट्रक के नीचे दब के मरोगे, उससे तो बेहतर है कि एक ईंट भगवान के आपके सर पे आए तो आपका जीवन अगर समाप्त भी हो जाए तो आप स्वर्ग को प्राप्त करो, तो बेहतर है कि इनका दर्शन करो। तो मेरे आने के बाद से इस मंदिर के अंदर 50 से 100-200 लोग आके दर्शन किए, जबकि उसके पहले लोग रोड से ही चले जाते थे, मंदिर की तरफ देख नहीं पाते थे। और आज इनकी ऐसी लीला है, ऐसी कृपा है कि लोग दौड़े चले आते हैं और इनका दर्शन करके जाते हैं, 2 फूल चढ़ा के जाते हैं, मतलब इनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। इनके लिए बिस्तर मंगाया गया, इन्हें मतलब दोपहर के पूजा के बाद इन्हें यहाँ विश्राम दिया जाता है, रात्रि में विश्राम दिया जाता है। और इनका तो आप जो देख रहे हैं, जो भक्त सच्चे मन से यहाँ दर्शन करने पूजा करने पहुंचेंगे उनकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि वो तो श्रद्धा के फूल है ना, जो आप अपने हृदय से इनके मन में इनके सामने रखते हैं और वो पूरा करते हैं। अगर नहीं पूरा करते तो इनका सकल सूरत नहीं बदलता, जो मैंने देखा था पहली बार और आज देख रहा हूँ बहुत अंतर है। तो आप देख सकते हैं मतलब क्या खूबसूरती है इनकी, जो हमने बाद में देखा। पहले तो डर गया था मैं, यहाँ लगता था जैसे कि ये सारे डाल सब खत्म हो गया, लग रहा था जैसे हमको लपेट लेगा, इस तरह से इतना डरावना लगता था ये कमरा। समूचे में जंगल झाड़ भरा पड़ा था जो अब समाप्त हो गया लोगों की मदद से, और उनके द्वारा जो ये सब सुव्यवस्थित किया जा रहा है, इससे हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और शायद हमारे रामचंद्र जी सीता मैया सभी प्रसन्न हैं जो देखने को मिलता है उनके चेहरे पर।